हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस बार जो मसूर की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जगह जगह सूख रही है। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये ज़्यादा जल्दी गीले में इसकी बोनी हो गई, और ये फिर आप ऊपर देख सकते हैं बादल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कारण इसके सूखने के कारण बन सकते हैं। तो भाई लोग अपनी फसल को समय समय पर निरीक्षण करते रहें और ध्यान दें कि कौन सा रोग लग रहा है, जिसके आप समाधान के लिए कोई भी कीटनाशक दवा या रोग प्रतिरोधक दवा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मसूर है जो सूख रही है, जो कि पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली। ये देखिए, जगह की जगह सूखने लगी है मसूर में, तो ध्यान दें अपनी मसूर पे। तो ये मसूर हमने बोई तो काफ़ी घनी थी, पर ये सूख सूख के काफ़ी कम हो चुकी है। इसमें सरसों भी बहुत ज़्यादा उग रही है, जिसके लिए हम जल्द से जल्द एक दवा का छिड़काव करने जा रहे हैं, जो कि मसूर में होगा। उसके लिए हम इसमें पोषक डाल रहे हैं, और पोषक के साथ साथ इसमें एक फंगस की दवा है, और फंगस के साथ साथ इसमें एक दवा वो रहेगी जो जो ये सूख रही है, खास कारण एक दवा इसमें वो है जो कि हम कल इसमें छिड़काव करने वाले हैं, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा छिड़काव करते वक्त, उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, मैं अब आपको मेरा थोड़ा बगीचा दिखाता हूँ, जो कि मेरे खुद के हाथों से बना हुआ है, जो मैंने अपने हिसाब से उसमें पेड़ पौधे वगैरह लगाए हैं। तो ये पेड़ देखिए, ये कुछ इस टाइप का है। इसमें ये पता नहीं चमेली टाइप कोई अजीब सा, इसमें देखिए एक फूल रही रहा, फोकस। इसमें ये देखिए एक फूल जे लग रहा है, और ये वो ऑरेंज गुलाब है जो कि मैंने अभी प्लांट किया है, और ये ऐसे ही 100 पीस का पेड़ था जो कि सूख चुका है। और इस तरफ आए तो इसमें ये गमार पाठा सॉरी आंवलिया, जो आप जानते होंगे अचार वगैरह डालने में यूज़ की जाती है। और इस तरफ आए तो गमार पाठा लगा हुआ है, जिसे एलोवेरा कहते हैं, और ये लाल कलर का गुलाब है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे फूल लग रहे हैं, और इनकी ग्रोथ के लिए मैं इनमें रोज़ पानी डालता रहता हूँ। और दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ पिंक कलर का गुलाब है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ आए तो ये रहा एक वाइट रोज़, तो ये भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इनको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये हाथ लगाते हुए भी झड़ रहे हैं। इस तरफ आए तो ये है कनेर, इसका फूल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और थोड़ा और इस तरफ आए तो ये रही बेल पत्र, जो कि शिव जी भगवान को चढ़ाने में रोज काम आती है। तो कुछ इस तरह भी, तो छोटा सा अभी मैं इसमें और ग्रोथ करूंगा, और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊंगा, तो समय के साथ आपको वो भी दिखाता रहा। तो इस तरफ आए तो ये मेरे आम के पेड़ हैं, जो कि आम का तो अभी सीजन नहीं है, तो ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फलते फूलते हैं। और इसके साथ ही मैं एक ये रहा इमली का पेड़, जिसमें कि इमली भी देख आप देख सकते हैं, इमली भी लग रही है ये देखिए। और इसी के साथ में ये है जामफल, ये बहुत बड़े साइज का जामफल है। इसमें थोड़े लेट ही जामफल लगते हैं, लगभग 1 महीने बाद। और कुछ आम के पेड़ मेरे यहाँ इधर भी हैं, और ये है करौंदा, बड़ा वाला करौंदा, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है। और अगर और आगे आए तो एक और करौंदे का पेड़ है, ये भी वही वाली वैरायटी है। और इस तरफ आए तो ये अनार है, अनार आप जानते ही होंगे। और इधर आए तो इधर ये एक और जामफल का ही पेड़ है, जो कि अभी पक रहा है। और इधर आए तो एक और आम का पेड़ है। और यदि मैं आपको और आगे दिखाऊं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेंदा के पेड़ भी लगा रखे हैं, जिनमें फूल भी लगने लगे हैं। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी इनमें पानी भी काफ़ी अच्छा मैं डालता रहता हूँ, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और इस साइड दिखाऊँ तो इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल लग रहे हैं।
ये देखिए इनके पौधे थोड़े गंदे ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से यहाँ पर रोड का काम चल रहा है ना, तो ये ऐसे ही दिख रहे हैं। ये देखिए जो मैं अभी आपको जामफल बता रहा था, ये चिड़िया इस तरह खा कर इन्हें छोड़ देती हैं, जिन्हें लोग सुआ कटेर भी कहते। तो कुछ इस तरह का है मेरा फार्म हाउस। ये देखिए इस पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक और आंवले का पेड़ ये रहा, जो कि अभी छोटा है, जो शायद हो सके थोड़े टाइम बाद फलने फूलने लगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं, जो कि ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये हैं मूली, मूली आप सब जानते ही होंगे, और ये है हरा धनिया जो कि सब्जी में डाला जाता है, और ये रही गाजर, गाजर भी लगाई हुई हैं जो कि अभी काफ़ी छोटी हैं। और गाजर के साथ साथ में यहाँ पे पालक है, पालक भी आप सब जानते ही होंगे, और ये रही मेथी, मेथी हरी है जिससे कई प्रकार की सब्जियाँ, पूड़ी, ये सब चीज़ें बनाए। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू गाइस।